दोनों में सब कुछ सेम होता है, सब कुछ आइडेंटिकल है, पर सेम आयरन कोर पे वोंट भी होती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है नंबर ऑफ टर्न्स का। और मैंने तुमको ऐसा कुछ बताया था कि एक सेम आयरन कोर है, इसी पे तुम्हारी पहली वाली कॉइल है, तो ये मान लो जैसे प्राइमरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल वो कॉइल जिसपे हमने सोर्स को फीड किया, ये देखो मैंने एसी सोर्स यहाँ पे फीड किया, और एक दूसरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल, इसी कोर पे, इसी कोर पे एक दूसरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल। अब मैंने तुमको बताया था कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरीके से वर्क करता है, तो जब तुम प्राइमरी कॉइल में एसी सोर्स लगाते हो तो यहाँ पे जो करंट हमें मिलती है वो अल्टरनेटली वेरी करती है। यहाँ पे मान लो मैंने कोई ईएमएफ लगाया V0 sin ओमेगा, तो उससे जो करंट मिली वो भी साइनोसॉइडली वेरी करेगी, कभी हल चली कभी नहीं चली। अब जब करंट वेरी करेगी तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, अब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो इन कॉइल के जो टर्न्स हैं इनसे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कुछ फ्लक्स पास करा रहा हो तो फ्लक्स वेरी करेगा, पर अगर फ्लक्स बदलेगा तो तुमको मालूम है कि फ्लक्स तो दोनों कॉइल शेयर कर रहे, क्योंकि दोनों कॉइल का जो फ्लक्स है वो आपस में इंटरलिंक है, फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है, लिंकेज का मतलब जो फ्लक्स है वो दोनों में शेयर होगा, क्योंकि दोनों कॉइल तो एक ही को करंट है, कॉइल हर तरीके से आइडेंटिकल है एरिया में, रेडियस में, मेकअप में, बस एक डिफरेंस है कि नंबर ऑफ टर्न्स एक में ज्यादा है एक में कम, हो सकता है इसमें ज्यादा हो उसमें कम हो, हो सकता है इसमें ज्यादा इसमें कम, इसीलिए दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अब मैंने बताया था कि फ्लक्स के लिंकेज की वजह से वही फ्लक्स सेकेंडरी में, अब जब ये फ्लक्स बदलेगा क्योंकि ये देखो वोल्टेज बदला, करंट बदली, फील्ड बदला, फ्लक्स बदला, तो d∅dt से यहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो प्राइमरी में चेंज करने से सेकेंडरी में ईएमएफ अपने आप इंड्यूस हुआ, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ऑफ कोर्स ये साइनसोइडल है, जब d∅dt टाइम के रिस्पेक्ट में इंड्यूस तो साइन का cos का साइन रहेगा, ये भी साइनसोइडल, तो सेकेंडरी में एक साइनसोइडल ईएमएफ इंड्यूस हो। अब वो कितना, तो मैंने तुमको लिखा था कि इसके पीछे का लॉजिक तुम ये लगाओ कि जो प्राइमरी में ईएमएफ आया d∅dt से वो माइनस साइन दिखा देते हैं, चलो n प्राइमरी d∅dt लिख सकते हैं, जहां पे phi जो है फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न, phi इज फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच टर्न, दोनों में एक टर्न का फ्लक्स सेम है पर नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है, इसलिए ई प्राइमरी और ई सेकेंडरी की वैल्यू अलग है, दोनों में d∅dt कॉमन है, जहां पे phi सिर्फ एक टर्न का फ्लक्स है, तो वही बदल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स तो ना बदल रहा है, इसलिए वो dt से बाहर आ गया, अंदर करते तो ये बनता d∅dt ऑफ n phi, d∅dt ऑफ ns phi, अब ये n प्राइमरी n सेकेंडरी डिफरेंट तो वैसे है कांस्टेंट, वो बदलते थे ना टाइम के साथ, इससे उबाल लिए। तो मैंने बता दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वोल्टेज आ रहा है उनमें रिलेशन होता है e प्राइमरी अपॉन e सेकेंडरी इज इक्वल टू n प्राइमरी अपॉन n सेकेंडरी, e प्राइमरी अपॉन e सेकेंडरी, n प्राइमरी अपॉन n सेकेंडरी, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी, e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ वोल्टेज बढ़ाओ, नंबर ऑफ टर्न्स घटाओ वोल्टेज घटाओ। तो जब मुझे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनाना है, वोल्टेज बढ़ाना है, तो बताओ सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करें? ज्यादा ज्यादा। और जब मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना है, सेकेंडरी में वोल्टेज घटाना है, ई प्रोपोर्शनल टू एन है तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, मुझे वोल्टेज घटाना है तो नंबर ऑफ टर्न्स का क्या करेंगे? कम कर देंगे, घटा देंगे। बस जैसा तुमको, और अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो नंबर ऑफ टर्न्स वही रखो, नंबर ऑफ टर्न्स लेकिन वही रखोगे तो फायदा है क्या, वोल्टेज वही मिलेगा, हमको तो वोल्टेज बढ़ाना है या तो घटाना है, और बताओ कब बढ़ाना है कब घटाना है? जब पावर हाउस से, पावर स्टेशन से पहली बार वो निकलती है और ट्रांसमिशन लाइन पे आती है, तो क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने, ट्रांसमिशन लाइन पे जब लाते हैं तो वोल्टेज बढ़ाते हैं, करंट घटाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, स्टेप अप। उसमें ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो कौन सा होता होगा बताओ? स्टेप अप। स्टेप अप। स्टेप अप। पावर हाउस पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो स्टेप अप होता है, वो क्या कर देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है बट करंट को कम कर देता है, करंट कम तो पावर लॉसेस कम,
करंट कम तो पावर लॉसेस कम, और जो फिर जब फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिटी, जैसे घरों के पास देखा होगा हर मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, मोहल्ले में होता है, बरसात के टाइम में खूब फूक भी जाता है, देखा होगा धाम धूम आवाजें होती है दिवाली में, इतने घंटे ट्रांसफार्मर लोग लगाते हैं जो हमेशा फूक जाते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले। अब क्या करेंगे, जो करंट वहां पे घटा दी गई थी, स्टेप अपनी घटा दी थी, वोल्टेज बढ़ा दिया था 220 का 1100 वोल्ट कर दिया था, क्या अपने घर में 1100 वोल्ट पे चीजें चलाओगे, टीवी 1100 वोल्ट पे चलाओगे? नो सर, हैं 220 ना, वोल्टेज को घटाना भी तो है। यस सर, वोल्टेज घटाना भी तो, कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप की स्टेप डाउन? स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। घरों के पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप डाउन, जो पावर हाउस के पास होता है वो स्टेप अप होता, घरों के पास वाला स्टेप डाउन होता, ठीक। और वो कितना बढ़ाना है कितना घटाना है वो तुम डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न से देखे बता सकते हो, ठीक। जहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? सर नो सर, सर जब वोल्टेज बढ़ा देंगे सर तो पावर लॉस V²/R से ज्यादा नहीं आएगा सर? बेटा तुम लोग अभी तक उसी कॉन्सेप्ट में उलझे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो तुम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सही में पावर वाले क्वेश्चन लगाए थे कि नहीं लगाए थे? सही बताना, लगाए थे तो अब देखो तुमने लगाए होंगे तो या तो गलत लगाए होंगे तो सारे नहीं लगाए, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में बार बार तुम्हारे दिमाग में यही बात दिलाई जा रही थी कि जब हमारे पास चीजें सीरीज में होती हैं तो हम वहां पे आई कांस्टेंट वाला आई स्क्वायर आर लगाते हैं, वहां पे अगर बी स्क्वायर बाय आर लगा दोगे तो आंसर गलत आएगा। दो बल्ब है सीरीज में, दो बल्ब है सीरीज में, ठीक। अब एक 100 वाट का एक 60 वाट का, ऐसे क्वेश्चन किए थे 100 वाट और 60 वाट का बल्ब सीरीज में जोड़ो, एक बार पैरेलल जोड़ो और कौन सा बल्ब ब्राइट होगा, तो उसके दो आंसर आते थे, एक बार सीरीज में अलग आता था पैरेलल में अलग आंसर आता था, कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर। अब मुझे बताओ बेटा, एक 100 वाट का बल्ब है और इसका अगर तुम सही से, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था, अगर इसका सही आंसर दे दोगे तो इसका तो तुम समझ गए हो, फिर यहाँ पे भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक 100 वाट और 60 वाट का बल्ब है, ठीक, दोनों को मैंने एक बार पैरेलल लगाया, पहले पैरेलल लगाया, इसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा ब्राइट होगा? त्रिवेंद्र ये ओली बता सकते हो बेटा, इसके लिए फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं है। 60 वाट और 100 वाट का बल्ब जब पैरेलल में लगाते हो तो वोल्टेज सेम होता है, तब वहां आई स्क्वायर आर नहीं लगाते, वी स्क्वायर बाई आर लगाते, क्योंकि वी सेम है। तो वहां पे जब वी सेम है, वी स्क्वायर बाई आर, तो जब वी दोनों में सेम है तो अब रेजिस्टेंस देखना बच्चा। अब तुम्हें इतना तो पता होगा कि रेजिस्टेंस हम कहां से निकाल के रखते हैं, रेजिस्टेंस याद है 60 वाट और 100 वाट, जिसकी पावर बल्ब की जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उसका कम होता है, 60 वाट और 100 वाट में 60 वाट का रेजिस्टेंस कम है, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि नहीं किए थे? तो जब तुम यहाँ पे पावर देखोगे तो 60 वाट और 100 वाट में P=V²/R में जिसका आर कम उसकी पावर ज्यादा, तो 100 वाट वाला बल्ब भी ब्राइटर होगा। लेकिन इन्हीं दोनों बल्ब को जब सीरीज में लगा दोगे, अब तुम नहीं लगा रहे वहां पे आई स्क्वायर, अब जब तुम सीरीज में लगा दोगे तब जरूर आई स्क्वायर लगाओगे, समझे? हाँ सर, सीरीज में लगा दोगे तब आई स्क्वायर, तब फिर क्या करोगे, आई से में फिर आर देखोगे, अब आई स्क्वायर में किसकी पावर ज्यादा होगी, जिसका आर ज्यादा है। अभी मैंने बोला 60 वाट वाले बल्ब का आर ज्यादा है, जब 60 वाट और 100 वाट सीरीज में लगा देते हो तो ब्राइटर 60 वाट वाला बन जाता है। तो ये V और I की कंडीशन पे करते हो ना बेटा। अब यहां पे तुम अगर ये चीज समझ लो कि यहां पे कुछ पावर प्रोड्यूस हो रही है, तुम ये नहीं समझ पा रहे हो ये कुछ पावर प्रोड्यूस हो रही है, ये कुछ एनर्जी है, ये फिक्स है, वोल्टेज और करंट जो भी होंगे सर्किट में वो V=, तुम क्या बार बार बोल दो, कल से ही बार बोल दो V=IR। अरे यार तुम वी बढ़ा दे रहे हो, आई भी बढ़ा दे रहे हो, पावर कहीं से अपने आप पैदा हो जाती है क्या? एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, तुम तो एनर्जी कंजर्वेशन के बैंड बजा दे रहे हो, तुम तो एनर्जी कंजर्वेशन की तुमने पूरी बैंड बजा दी। वी सर वी वी बढ़ाओगे आई बढ़ा दोगे, जो पावर होता है P=VI, यानी वी बढ़ गया मतलब पावर बढ़ गई, निकले थे पावर स्टेशन से 1000 वाट, अब तुम बोल दो वी भी बढ़ गई आई भी बढ़ गई, 10,000 वाट बन के आ रहे हैं, वाह ये तो बहुत बढ़िया कमाल हो गया, तुमने जो है एनर्जी बना ली, तो बढ़िया स्थिति, बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, बेकार में इंडिया इतने पावर स्टेशन बनाता रहता है, नई नई चीजें ढूंढता रहता है, निकाले छोटा सा एक स्टेशन बना दे, ऊपर वो बड़ा बड़ा के बनाए,
भाई यहाँ पे कंस्ट्रेंट है ना कि पावर कांस्टेंट है, तो पहले इसको फिक्स कर दो, P is equal to VI, ये फिक्स है, ये बढ़ ही नहीं सकता। अब P is equal to VI है, ये फिक्स है, तो I is inversely proportional to V है, पावर उतनी रहेगी, पावर या तो एनर्जी या तो कंजर्व रहती है या तो एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी अपने आप बढ़ नहीं जाती, घट सकती है, लॉस होता है, और सच में ट्रांसफॉर्मर में लॉस होता है। लेकिन अगर एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर मान ले तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहती है, उसमें पावर लॉसेज ना हो, तो उसमें हम लोग लिखते हैं V1 I1 is equal to V2 I2, लिखेंगे एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जिसमें कोई लॉस ना हो एनर्जी का, एनर्जी का गेन अपने आप नहीं हो सकता, लेकिन लॉस हो सकता है, क्योंकि लॉस करने के लिए बहुत कुछ है। एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में नो लॉस, तो अब क्वेश्चन है कि लॉस कहां से आएंगे, लॉस आते हैं बेटा ये जब रेजिस्टेंस इतना वायर, रेजिस्टेंस में करंट चलती है तो जूल हीटिंग होता है, जूल हीटिंग में आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर के रेट से जूल हीटिंग का तुम फॉर्मूला निकाल सकते हो। तुम क्या पूछ रहे थे बोलो बेटा, सुवेंद्र तुम क्या पूछ कर रहे थे उस समय, आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर क्या पूछ रहे थे, बिल्कुल फिर से रिपीट करो बेटा। समझा नहीं क्या पूछ रहे हो, फिर से बोलो बेटा। और कब से मैं बोल रहा हूँ सीरीज और पैरेलल का ही रफड़ा है, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों में वोल्टेज सेम नहीं है, तुम दोनों का ओवरऑल करंट आई सीरीज में सेम मान रहे, वी इसके इसका भी हमें पता ही कहाँ है, लेकिन हमें पूरे सर्किट का आई पता है। भाई सीरीज में तो वोल्टेज तो बढ़ जाता है ना सीरीज में, सीरीज में क्या लगता है 100 वाट और 60 वाट के बल्ब सीरीज में, तो तुम बीस को बाजार से नहीं निकाल के आई स्क्वायर आर से क्यों निकाल लेते, क्योंकि उसमें करंट सेम। हाँ सर समझ में आया कुछ नहीं? यस सर आई, ये सीरीज में ना, कल से तो ये बोलो सीरीज पैरेलल में अलग अलग तरीके से करते, अगर पैरेलल में होते तो बीस को बाजार से ही करते, सीरीज में इसलिए आई स्क्वायर आर से करते। चल यस सर, आई ट्रांसफॉर्मर में नो लॉस, तो अब लॉस होते क्या है, लॉस यहाँ पे लिखने का, पहले बताओ विजिबल है बोर्ड का ही साइड दिख रहा है? यस सर। यस सर, पहली बात प्राइमरी हो सेकेंडरी हो कॉइल ही है, रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टेंस में डुअलिटी नहीं होगी, डुअलिटी तो होगी, डुअलिटी का तो लॉस होगा, दुनिया की कौन सी चीज रोक ले, करंट चली तो डुअलिटी तो पैदा होनी होनी है, डिस्पेशन होना है, इसका मतलब जितनी एनर्जी आप पैदा करते होगे उतनी एनर्जी मिलती होगी, उससे ज्यादा मिल जाएगी उससे कम मिलेगी, सर कम मिलती है, कम मिलेगी, कम मिलेगी, निकली थी पावर हाउस से उतनी मिलती ही कहां, वही मिल जाती तो फिर क्या कल्याण हो जाता हमारा, नहीं होता लॉस होता। तुम में से कई लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोगे, जो लोग वैसे हमें नहीं लगता कि कोई लोग है, अब तो सब कंप्यूटर साइंस लेते हैं भले कॉलेज खराब मिल जाए, ऐसा कुछ है क्या प्लान कंप्यूटर साइंस लेने का, बड़ा गलती से अच्छा ऐसा भी कुछ है कि निकल भी नहीं सकता है, अरे यार ऐसी बात मत करो यार, इंजीनियरिंग में तो कहीं ना कहीं तो एडमिशन ले लोगे, कि ऐसी भी हालत ही कहीं नहीं होगा एहसान, ऐसा भी हो सकता नहीं होता क्या, अरे वो बात की बात है, अभी पढ़ रहे हैं, अरे यार तो पहली चीज जूल हीटिंग, तुम लोगों में से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनोगे उनमें सबको पावर हाउस डिजाइन का एक टॉपिक होता है, पावर हाउस डिजाइन में वहां पे तुमको यही इसी टाइप से पावर हाउस बनाना होता है या फिर उसकी डिजाइन ऐसे करनी होती है कि ये सारे लॉसेस मिनिमाइज हो, और ये सारे लॉसेस में जो सबसे बड़ा लॉस है वो है जूल हीटिंग का, दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस वो है ये जो कोर है आयरन की कोर, आयरन की कोर जब उसमें करंट जाएगी, आयरन की कोर में कॉइल में करंट जाएगी तो आयरन की कोर बार बार मैग्नेटाइज हो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल,
यस सर। तो जब कोई मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती है तो इंसान उसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है उस साइकिल को क्या बोलते हैं? ये बात की बात नहीं है, अभी की बात है, बताओ अभी, इसको मत बोल देना बात की बात है, सामने की बात है, अभी की बात है। किसान कहाँ खो गए? बात की बात तो हो गई, अब अभी की तो बात बताओ। अरे कहाँ गए, हो गए अंतर्धान हो गए? अरे धरती पे हो? चलो गोविंद बताओ बेटा, गोविंद तिवारी। सर क्या बताना है? मैं पूछ रहा हूं कि अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा तो उसको क्या बोलते हैं, बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन की साइकिल को, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की? पता नहीं सर। अरे हिस्टेरेसिस। लियो अब किसान जो है किताब किताब में पन्ने वन्ने पलट दिए। चलो हिस्टेरेसिस बोलते हैं। वाह अरे वो बहुत ढूंढने के बाद मिला है सर, बहुत ढूंढने के बाद मिला। हिस्टेरेसिस जब होती है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, ये मैग्नेट है, बार बार उसको तुम मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करो तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है आयरन में। और याद है वो हिस्टेरेसिस लूप का जो एरिया होता है वो एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम बताता है, ऐसा कुछ पढ़ा था? हिस्टेरेसिस लूप का एरिया एनर्जी लॉस बताता है पर यूनिट वॉल्यूम। तो वही उसी की बात कर रही है, ये आयरन की कोर है ना, ये आयरन है, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता रहता है, हिस्टेरेसिस के लॉस भी होते हैं ट्रांसफॉर्मर। तीसरा एडी करंट्स, एडी करंट्स पढ़ा था कुछ ईएमआई में, एडी करंट्स, एडी हवरे। यस ये एक मेटल है और ये मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जो बदल रही है, मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है तो इसे फ्लक्स बदल रहा है। अब ये पूरा का पूरा मेटल है तो इसमें कई लूप हो सकते हैं, कई छोटे छोटे बड़े बड़े कई लूप, सब में फ्लक्स बदल रहा है, सब में करंट इंड्यूस हो रही है, तो ऐसे कई सारे इन्फिनाइट लूप्स बन गए, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट, इसमें भी करंट। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर में, इस मेटल में कई सारे लूप्स बन जाते हैं इन्फिनाइट, और इस टाइप से लूप्स बन गए और सब में करंट का चलने की वजह से जो रेटिंग वाला लॉस हो रहा है तो उसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। इसलिए जो हम लोग ये बनाते हैं इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हम लोग इसमें लूप नहीं बनने देते, इसमें खांचे बना देते हैं, इसको मतलब पूरा कंप्लीट नहीं होने देते हैं, जो आयरन की कोर है उसमें क्या करते हैं, कटिंग कर देते हैं, मतलब पूरा उसको मेटल एक कंप्लीट लूप नहीं बनने देते हैं, उसमें खांचे खांचे से बना देते हैं जिससे तुम्हारा एडी करंट्स कम हो, जीरो तो नहीं हो सकती बट मिनिमाइज करने के लिए। तो एडी करंट सिस्टम से जो रीडिंग वजह से इतना तो पक्का है कि ट्रांसफॉर्मर कभी भी आइडियल नहीं हो, बट आइडियल सिनेरियो मान के अगर करें जितना हमने इनपुट पावर दिया होगा उतना ही हमको आउटपुट पावर मिलेगा। पावर का एक ही फॉर्मूला बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी आई, पावर वी स्क्वायर बाई आर या आई स्क्वायर आर। कभी भी मैंने हमेशा जब मैं अपने वैसे पढ़ाता हूँ तो हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी इनको शुरुआत में मत लगाना, पावर का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी आई हो, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसी क्यू चार्ज को वी वोल्ट पे चलाओगे तो वर्क डन होगा क्यू वी, टाइम से डिवाइड करो क्यू वी अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी बन जाएगा करंट। तो पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला है वोल्टेज इंटू करंट, सबसे बेसिक फॉर्मूला। वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर तो सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए लगता है, जहां रेजिस्टेंस नहीं हो तो वहां क्या लगाओगे, वहां पर कैसे वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर लगाओगे, तब भी लेकिन वहां पे पी इज इक्वल टू वी आई हमेशा लगेगा। अभी एसी सर्किट है और तुमको मैं बोलूंगा गलती से भी वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर मत लगा देना, हजगे तो ना रेजिस्टेंस है, इंडक्टर और कैपेसिटर भी होते हैं, बट एक फॉर्मूला हर जगह लग जाएगा वो है पी इज इक्वल टू वी आई। और जी अभी लगाने आ रहा हूं, इनपुट पावर कितनी, P इज इक्वल टू वी आई, वी प्राइमरी आई प्राइमरी, P इज इक्वल टू वी आई। आउटपुट पावर कितनी, V सेकेंडरी आई सेकेंडरी। तो अगर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज पता हो और एक करंट पता हो तो दूसरी करंट निकाल सकते, तो देखो ये रिलेशन आ रहा है, V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी, यहां से देखा था n प्राइमरी अपॉन n सेकेंडरी। लेकिन
वी प्राइमरी अपॉन वी सेकेंडरी करोगे तो ये आई इधर आ जाएगा उल्टा, ये बन जाएगा आई सेकेंडरी अपॉन आई प्राइमरी, वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इनवर्स, तो पावर कॉन्स्टेंट मान है आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर कॉन्स्टेंट। एक आइडियल ट्रांसफार्मर, और अगर ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं है तो क्या, तो अगर ट्रांसफार्मर रियल है जिसमें लॉसेस हो रहे हैं तो वहां पे हमें पावर हमेशा यहां पर आउटपुट में इनपुट से कम मिलती है। कितनी कम मिलती है, तो हो सकता है किसी में बहुत लॉस है किसी में कम लॉस है। जिसमें बहुत लॉस है मान लो 100 जूल की एनर्जी तुमने दी और 20 जूल का लॉस हो गया तो 80 जूल मिलने आउटपुट, तो हम बोलेंगे उसकी इफिशियंसी 80%, उसको परसेंटेज के बजाय नंबर के टर्म में लिखे तो 0.18। अगर कहीं पे हमने 1000 मेगावाट एनर्जी दे दी और 900 मेगावाट ही हमको मिल रही है, 100 मेगावाट चले गए तो हम बोलेंगे इफिशियंसी 90% या 0.9। तो इफिशियंसी का हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर is defined as output power upon input power. Output power upon input power. यानी कि VI का रेशियो efficiency के बराबर है। बिल्कुल जैसे थर्मोडायनेमिक साइकिल की एफिशिएंसी निकालते थे 100% से कम आती थी, तो वैसे ही कोई भी तुम्हारा 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर नहीं होता, बट मान लेते हैं कई बार, बट ये नंबर जो है वो ये 0.1 0.2 0.3 टाइप आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज के टर्म में लिखो। और ये देखो क्या वी आई पावर सेकेंडरी का नीचे पावर प्राइमरी का, बोले लिख रहे सर ये वाला वो नहीं दिख रहा है लास्ट वाला, क्या लिखा है आपने लास्ट में क्या लिखा है बता दीजिए। ट्रांसफार्मर ही चल रहा और क्या लिखना है, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का टॉपिक कर रहे थे ना लास्ट क्लास में, कुछ और कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये बताओ दिख नहीं रहा तो मैं दोबारा लिख दूं, नीचे जो फॉर्मूला नहीं सर बस लास्ट का जो आपने लिखा है लास्ट लाइन में क्या लिखे हैं सर बता दीजिए। हाँ बता रहा हूँ मुझे तो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ ये लिख लिया तो मैं हटा दूँ तो जगह बने बताने की, हटा दीजिए वो है अपने क्वेश्चन दागे रहते हो, मैं पूछू तो गायब 5 मिनट है, जब मैं पूछू तो बताओ नहीं, ये कौन सा तरीका है, मेरे क्वेश्चन का आंसर पहले दो फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ये होगा अब से अब तक क्या था नहीं। बताओ ये हो गया लिख लिया तो हटा दूं, यस सर लिख लिया, चलो हटा ले आ रहा हूं, राइट साइड का मत कहिएगा हैं, राइट साइड का मत कहिएगा लेफ्ट साइड वाला हटा दीजिए पूरा, अच्छा लेफ्ट वाला हटा दें, चलो दोबारा बताने जा रहा हूं कैसा तुमने बोला मैं दोबारा बता दे, ठीक है शांत दोबारा बता दे आ रहा हूं। हाँ सर ठीक, देखो कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है बेटा वो फुल्ली 100% इफिशियंट नहीं, कोई भी वो फुल्ली 100% इफिशियंट नहीं होता, मतलब जितनी एनर्जी हम उसमें फीड करते हैं वो उतनी एनर्जी आउटपुट में नहीं देता, उससे कम देता। अब क्वेश्चन ये कि हम उसको फिर कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उसको हम एनालाइज करेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर अच्छा है कौन सा खराब, तो ट्रांसफार्मर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए बेटा एक टर्म बनाया गया है जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी। जिस ट्रांसफार्मर में लॉस जितना कम होगा यानी कि इनपुट के रेस्पेक्ट में जो आउटपुट जितना ज्यादा देगा वो उतना अच्छा इफिशियंट ट्रांसफार्मर, वो उतना अच्छा बेटर ट्रांसफार्मर माना जाए। इससे मान लो जो इनपुट पावर के रेस्पेक्ट में 90% आउटपुट दे रहा है वो अच्छा है, और जो इनपुट के रेस्पेक्ट में सिर्फ 70% दे रहा है वो ट्रांसफार्मर खराब है,
और हमारा मैं जो तुमको बता रहा था कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे तो यही पावर इंजीनियर का काम होता है कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ाओ। जैसे थर्मोडायनेमिक इंजीनियर का काम होता है कि इंजन ऐसे बनाओ जो ज्यादा अच्छी पावर दें विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, एफिशिएंसी बढ़ाना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी या हर जगह एफिशिएंसी, थर्मोडायनेमिक्स में एफिशिएंसी यही होती थी, आउटपुट अपॉन इनपुट। इंजन थर्मोडायनेमिक इंजन क्या होता था, वर्क ऐसे आउटपुट मिलता था, हीट ऐसे इनपुट मिलता था, तो वर्क अपॉन हीट करते थे। हर जगह यही करते हो, हर जगह मतलब कहीं नहीं बदल रहा बेटा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कोई नया नहीं है, हर जगह यही। आउटपुट यहाँ पे क्या है, आउटपुट पावर, और इनपुट यहाँ पे क्या है, इनपुट पावर। अब पावर क्या होती है, जो पावर होती है वी आई। तो आउटपुट में देखो ये जो सेकेंडरी है यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है वी सेकेंडरी, करंट मिल रही है आई सेकेंडरी। इनपुट में मैंने हटा दिया यहाँ पे, लेकिन इनपुट में वी प्राइमरी और आई प्राइमरी था। तो अब मैं ये बोलता हूं कि आउटपुट पावर में लिख दो बेटा V सेकेंडरी I सेकेंडरी P इक्वल टू V I सेकेंडरी। इनपुट में लिख दो V प्राइमरी I प्राइमरी P इक्वल टू V I सेकेंडरी। बस यही एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, और ये एफिशिएंसी 0 से 100% के बीच की होती है, ये नंबर होता है। वो डेसिमल में आएगा, वो 100 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई कर दो 2% में आ जाएगा, ये बोल रहा था। बोलो बेटा, आप समझ में आया? यस सर। यस सर। यही मैंने नीचे लिखा था, अब मैं हटा देता हूं क्योंकि आप उधर लिख दिए तो हटा। यस सर। एफिशिएंसी 0 कब होगी? एफिशिएंसी 0 तब होगी जब पूरा लॉस आ जाए। ऐसा भी कोई नहीं होता कि पूरा ही पूरा लॉस आ जाए। तो पहुंचे ना पावर स्टेशन से, निकली पावर और सिटी पे आते आते जीरो, कुछ आई नहीं था। कुछ तो पहुंचेगी, थोड़ी बहुत तो पहुंचेगी, बट अगर ऐसा हो, तुमने बहुत ही बेकार तुमने सिस्टम बना रखा, तो हो सकता है पूरा लॉस हो जाए। लॉस के ऊपर है, क्योंकि आउटपुट पावर जो होती है वो इनपुट से कम होती है, और वो होती है आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉस। तो लॉसेस बढ़ेंगे तो आउटपुट घटेगा, आउटपुट घटेगा तो एफिशिएंसी घटेगी। आउटपुट लॉसेस बढ़ा तो आउटपुट घटा, आउटपुट घटा तो यहां से फॉर्मूले से देखो एफिशिएंसी। ठीक, क्वेश्चन करें ट्रांसफार्मर के? हाँ सर। दो क्वेश्चन करें। हाँ सर। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन। एक आइडियल ट्रांसफार्मर मैं बोल दे रहा हूं, तो वो पूरा लिखने की होती है, जो फिगर में वही लिखी। एक आइडियल ट्रांसफार्मर, इस आइडियल ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी, ये कोर, ये सेकेंडरी अलग अलग दिखा दे रहे होते, एक्चुअल में ही कोर पे ये अलग अलग खाली सिंबल है दिखाने। ये प्राइमरी है, इस पे मैंने डाला है से 220 वोल्ट और करंट है यहां पे 10 एम्पीयर, टर्न्स है यहां पे 100 टर्न्स, यहां पे टर्न्स है 500 टर्न्स। तुमको बताना क्या है, यहां पे वोल्टेज बतानी है और करंट बतानी है सेकेंडरी। सेकेंडरी में वोल्टेज बताना है, सेकेंडरी में करंट बतानी है। बोलो बेटा, क्वेश्चन में कहीं कुछ ना दिख रहा हो तो मैं बोल दूं। 1100 ऋषभ? हाँ सर, हो गया। हो गया दोनों? गोविंद कुछ जवाब क्यों नहीं देते हो तुम? गोविंद
बताया तो अच्छा 1100 वोल्टेज आउटपुट बन गया। अरे बेटा हम इंसान गोविंद को बोल रहे, तुम क्यों कुछ घुस रहा बीच में, ये कौन सी बात है, किसी को नहीं बोल रहे दोगे? गोविंद गोविंद नहीं है सर, क्लास गोविंद नहीं बोलता है, सो गए होंगे सर। अरे सो गए होंगे, बड़े क्या उम्र में, सीधा वाला दे। अरे भैया गोविंद कहाँ गया, वो गोविंद हाजिर हो नहीं रहा भाई, क्या बात है, इतने डांटने की बात नहीं आ रहा, हटा दे क्या, इससे हटाने का ऑप्शन होता है, जब भाई जवाब ही नहीं दे रहे तो हटा देते, कैसे हटाते हैं? नेटवर्क वेटवर्क खराब होगा सर जी, अच्छा नेटवर्क तो भी खराब हो सकता है, नहीं रिमोट मीटिंग दिखा, लेकिन चलो तुम इतना उसकी तरफ डाल दी, अच्छा ठीक है शांत मान लिया, मैंने तुम्हारी बात मान ली, इतनी दरदारी क्यों कर रहे तुम, नेता नेता बनने की मूड में वो लग रहा है। प्रांजल आगे तुम्हारे वियोराई, यस सर, सबका सब लोग समझ गए थे, 100 टन 500 टन स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर टर्न्स 5 टर्न्स बढ़े तो वोल्टेज 5 टर्न्स बढ़ा, 220 × 5 1100 और करंट उसी रेशियो से घट गई तो 1/5 10/5 2 एम्पीयर, बोलो सबका ये आ रहा है सबका, yes, तो अब मैं क्वेश्चन बदलने जा, अब मैं क्वेश्चन बदलने जा, शिवेंद्र आ गया था मुन्ना, यस सर आ गया था, यस सर, अब मैं क्वेश्चन बदलने जा रहा हूँ, लिखो सब लोग क्वेश्चन इसी में मॉडिफाई करें, लिखो इफ द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मर, इफ द प्रीवियस ट्रांसफॉर्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%, if the previous transformer has a efficiency of 80%, previous transformer has a efficiency of 80%, then what would be the output voltage, output current, output power? And what would be the output voltage, output current, output power? Prathamesh, yes sir. ठीक जल्दी से सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, आउटपुट पावर, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट पावर, वोल्टेज करंट पावर तीनों, सो पावर 17.6 किलोवाट, वोल्टेज और करंट भी निकाल लिए, द करंट 1.6 एम्पीयर पहले से कम आ रही होगी, तुम देख रहे होगे पहले 2 एम्पीयर थी, अब इससे कम आ रही होगी पहले से, वोल्टेज लेकिन उतना ही आएगा क्योंकि वोल्टेज को पावर, वोल्टेज जो है नंबर ऑफ टर्न से डिफाइन होता है, तो जो पावर का लॉस हो रहा है वो करंट के टर्म्स में रिफ्लेक्ट होगा, वोल्टेज उतना ही जो नंबर ऑफ टर्न से आ रहा है, वोल्टेज उतना ही आएगा 1100। तो वोल्टेज 176 होगी, फिर से बोलो बेटा, 176 वोल्टेज बेटा उतना ही रहेगा, करंट घटेगी पावर घटेगी, यस सर, वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न से निकालते हो, तो पावर होगी 1.76 किलोवाट,
अभी देखिए सॉल्व कर लेते, अटेम्प्ट कर लिया सबने? अमित? हाँ सर। अफीजा? अफीजा? यस सर। संस्कार? हो गया सर। गौरव? यस सर हो गया। चलो अब मैं करने जा रहा हूँ। देखो सबसे पहले इनपुट पावर कितनी, P is equal to VI, 220 into 10, volt ampere, what? Simple, ये थी input power, अब efficiency होती क्या? Efficiency 80% थी, यानी कि 0.8 is equal to output power, अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो आउटपुट पावर आएगी 0.8 इंटू 22 यानी 8 इंटू 220 वो वाट में। हाँ सही है। अब कभी भी ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में वोल्टेज कभी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टन से निकालना, क्योंकि ट्रांसफार्मर की बेसिक इक्वेशन ही है ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी इज इक्वल टू एन प्राइमरी अपॉन एन सेकेंडरी, ये ट्रांसफार्मर की बेसिक इक्वेशन, और इससे तुम निकाल चुके हो कि नंबर ऑफ टन्स जो है वो एन प्राइमरी अपॉन एन सेकेंडरी 1/5 है, तो जो ई सेकेंडरी है वो तुम निकाल चुके हो, 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया था 220 × 5 1100 वोल्ट। वोल्टेज हमेशा नंबर ऑफ टर्न से निकालना, करंट किससे निकालो तो पावर से, आउटपुट पावर आई है 8 × 220 वॉट इज इक्वल टू ई आई 1100 × I, आई सेकेंडरी 1100, आई सेकेंडरी की वैल्यू आएगी 8 × 220 / 1100 और ये कट जाएगा 11 से 2 कट जाएगा, तो आएगा 8 × 216 / 10 1.6 एम्पीयर, 1.6 एम्पीयर और 1100 वोल्ट। और बाकी सर वोल्टेज वो वाले फॉर्मूले से क्यों निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्न से क्यों निकालेंगे? बेटा किससे फिर बोलो, कौन वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे? पावर वाले फॉर्मूले, देखो पावर वाले फॉर्मूले में दो अननोन है, वोल्टेज भी अननोन है करंट भी अननोन है, तो जब तक तुम्हारे पास पावर के फॉर्मूले में एक वेरिएबल, अगर तुम्हें वोल्टेज निकालना है तो करंट पता होनी चाहिए, तुम्हें तो ना करंट पता है ना तो वोल्टेज पता है, तो अगर वोल्टेज निकालोगे तो मुझे बताओ करंट फिर कौन सी रहा, सेकेंडरी के करंट कौन सी रहा, वो भी तो नहीं पता है। यस तो दो फंसेंगे। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि दो अगर अननोन है तो इक्वेशन भी दो होनी चाहिए, एक पावर वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और पावर वाली इक्वेशन दोनों का यूज करके निकालना है। अब दिक्कत ये कि पहले से अगर हमें करंट पता होती तब तो निकाल भी लेते वोल्टेज, पहले से करंट पता कहाँ रहेगा, लेकिन वोल्टेज पता पहले से, इसलिए वोल्टेज पहले निकाल के करंट रख लेते, बाकी निकालने को तो अगर करंट पता होती तो बेटा वोल्टेज भी उससे निकाल सकते, कोई इसमें मोहम्मद उसमें कोई बेटा दिक्कत नहीं, निकाल सकते सर। लेकिन ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है बेटा, हम लोग नहीं, आइडियल ट्रांसफार्मर में ये फॉर्मूला नहीं, आइडियल ट्रांसफार्मर में ये फॉर्मूला, ध्यान से देखो आइडियल ट्रांसफार्मर में ये लिखा है, ये लिखा था पहली लाइन, ये तो हर ट्रांसफार्मर में यूज होता है, फ्लक्स तो शेयर ही होगा, फ्लक्स के शेयर से ही आया, फ्लक्स के शेयर में थोड़ा ना कोई दिक्कत है, एनर्जी कंजर्वेशन का, तुम ये बताओ आइडियल ट्रांसफार्मर की हिस्ट में लिखा साइडिंग में, ये हर ट्रांसफार्मर में होता है, क्योंकि ये एनर्जी से थोड़ी ना आ रहा है, ये आ रहा है फ्लक्स के लिंकेज से, चाहे आइडियल हो चाहे रियल हो, फ्लक्स का लिंकेज तो नंबर ऑफ टर्न्स पे ही डिपेंड करे, उसमें लॉस हो चाहे ना हो, लॉस होके भी जो तुम्हारे बचेगा वो भी तो दोनों कॉइल से बराबर ही जा रहा पड़ रहा है, तो वो जो E is equal to N divided by dt वो तो फराडे लॉ है, लॉस हो चाहे ना हो फराडे लॉ तो लगे लगे, वो तो फराडे लॉ से आएगा,
समझे? यस। ये फैराडे लॉ से आया हुआ, फैराडे लॉ को लॉस से क्या मतलब? सर ये 8 × 220 क्या लिखा हुआ आपने? 8 × 220 सबको आ गया? दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर रियल और आइडियल? यस सर। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मर से आगे बढ़ते हैं। अब एसी, ये समझ में आ गया कि एसी यूज क्यों करते हैं पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर क्या होता है ये सब रहा। अब अगला क्वेश्चन, फिर एसी आएगी कहां से? ऐसी करंट जो बदल सके और जिसको हम वोल्टेज घटा बढ़ा के उसकी एनर्जी का लॉसेस को मिनिमाइज कर सके, वो ऐसी करंट आएगी कहां से? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एसी जनरेटर, सिर्फ सिंपल प्रिंसिपल करें। तो इसमें आपने दोनों की पावर इक्वेट क्यों की थी? क्या बोलो, फिर से बोलो बेटा, दोनों में पावर इक्वेट? पावर इक्वेट हमने यहां पे तो 0.8 से मल्टीप्लाई करके पावर, आउटपुट पावर 1760 आई है, इनपुट पावर 22 होती, कहां इक्वेट किया बेटा 2200 को 1760 से? तो ये लास्ट में क्या किया सर? 8 × 220 = 1100। ये तो वोल्टेज इनटू करंट लिखा है, पावर इज इक्वल टू वी इनटू आई लिखा है। जो आउटपुट की पावर है वो आउटपुट के वोल्टेज और आउटपुट के करंट के मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखा है। आउटपुट अच्छा की पावर वोल्टेज आउटपुट की करंट। सर यहाँ पर पहले करंट निकाल सकते वो वाले फॉर्मूले से, IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS? नहीं, अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा, वेरी गुड। कभी नहीं, क्योंकि देखो ये IS इंटू IP वाला जो आया था वो पावर को सेम करके आया है, और पावर को सेम तभी करोगे जब आइडियल ट्रांसफार्मर होगा, और जब ये पहले से दे रखा कि रियल ट्रांसफार्मर है तो वो IS इंटू IP वाला फॉर्मूला ही नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो यहां से आया था ना, इसको बेसिस मान के आया। इसलिए तुम कभी भी करंट नहीं निकालोगे, पहले वोल्टेज निकालोगे, क्योंकि करंट का फॉर्मूला तो इससे निकल के आया है, और ये सिर्फ आइडिया ट्रांसफॉर्मर के लिए, समझे? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो एसी जनरेटर। एसी जनरेशन कैसे करते हैं, एसी प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो हमको एसी चाहिए, एक ऐसी करंट चाहिए जो बदले साइनसॉइडली, तो हम उसको ट्रांसफार्मर लगा के स्टेप अप स्टेप डाउन हम पावर लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हैं। जरूरत है हमारी एसी पैदा करने की। तो ऐसी करंट कैसे पैदा होती है? तो देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का रीजन लिया है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, इसमें एक कॉइल को रखा जाता है। इनफैक्ट एक कॉइल नहीं, इसके ऊपर कई सारे वाउंड है, एक के ऊपर एक एंट्रेंस, इस रीजन ऑफ स्पेस में मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अभी ऐसा नहीं कि जरूर बिल्कुल ऐसे सीधे हो, इस रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड में बी लिख देता हूं, डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, अभी से बी लिख। लूप का एरिया ए, टर्न्स एन, और इस लूप को रोटेट कर रहे हैं ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से लूप को रोटेट कर, ठीक? यस सर। अब होगा क्या? देखो इनिशियली मान लो लूप, यहां पे फिर दोबारा बना रहा हूं,
इनिशियली मान लो लूप ऐसा था, अलग से फिगर में देखें t is equal to 0 पे लूप परपेंडिकुलर था, हम t is equal to 0 मान ही रहे हैं जब लूप परपेंडिकुलर टू बी था, इसको ऐसे घुमा दो और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही तो ऐसे ऐसे लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड उसको क्रॉस करते हुए 90 डिग्री पे जा रही। इस समय मुझसे कोई पूछे फ्लक्स कितना, तो मैं बोलूंगा बी ए कॉस थीटा, बिल्कुल 90 डिग्री पे कॉस 0 की वैल्यू 1, बोलो नॉर्मल से देखते ना थीटा। Yes, तो क्या बताओ फ्लक्स इसमें कितना, जीरो लिखे कि मैक्सिमम लिखे? मैक्सिमम जीरो कहां हो गया है, ज्यादा होता तब जीरो होता, मैक्सिमम लिखेंगे। यस सर। हां सर ठीक। यस सर। मतलब कोई दिक्कत, अगर एन टर्न है तो कितना फ्लक्स लिखेंगे? एन बी। अब मैंने घुमाया, रोटेट किया, इसको रोटेट किया ओमेगा से, तो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रेडियन घूम गया, ओमेगा रेडियन घूम गया। एक सेकेंड में अगर ओमेगा रेडियन घूम गया तो टी सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगा, लूप टी सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगा, भाई अरे यार एक सेकंड में ओमेगा घूमा तो तीन सेकंड में कितने घूम जाएगा, ओमेगा टी सिंपल, अरे यार सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो रेडियन आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो जो नॉर्मल ये लूप है और ये ऐसे रोटेट कर, ये पहले इस पे क्या होता कि फ्री लाइंस ऐसे आ रही, फ्लक्स मैक्सिमम था। अब जब ये टी टाइम पर ऐसे घूम जाएगा इसका नॉर्मल भी तो घूम जाएगा, कितना घूमेगा भाई इस लूप ओमेगा टी एंगल घूम गया तो इसका नॉर्मल कितना एंगल घूम जाएगा, नॉर्मल कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा टी। तो ये देखो अब जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड से पहले बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग था, अब ओमेगा टी का एंगल बना, तो अब जो नया फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा ओमेगा टी, तो एक टर्न होता तो बी ए कॉस ओमेगा टी होता, एन टर्न है तो कितना लिखें, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, टी कॉस ओमेगा टी। अब मुझे भैया इतना बता दो सिर्फ ये फ्लक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं सर। के साथ ये फ्लक्स कांस्टेंट है क्या? नहीं बे। नो सर। बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा, टी इज इक्वल टू 0 पे कॉस 0 मैक्सिमम, सबसे पहले टी इज इक्वल टू 0 पे फ्लक्स मैक्सिमम, फिर घूमेगा और घूमते घूमते जब फील बिल्कुल ऐसे, अभी तुम्हारा कहता है इसके ऊपर नॉर्मल फील है तुम्हारी तरफ आ रही है, फिर घूम के ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। अब जब ये अभी तुम्हारा फ्लक्स इसमें मैक्सिमम था एरिया वेक्टर। अच्छा एक चीज जो है इसमें मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा मैंने एक गड़बड़ कर दिया है, बोलो क्या, इसमें मैंने तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट कि मैं जब यहाँ पे फिगर बना रहा तो मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये नॉर्मल है, मैंने नॉर्मल बोला था, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियली तुम्हारा b वेक्टर और a वेक्टर मैंने थीटा इक्वल टू 0 बोला था और एरिया हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, और मैंने यहाँ पे क्रॉस दिखा दिया, जबकि फील्ड मैं तुम लोगों को बार बार जब मुंह से बोल रहा हूँ तो डॉट मान के चल रहा हूँ, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बट अपने दिमाग में रख लो कि डॉट है, ठीक, क्रॉस नहीं डॉट। डॉट होने से क्या होगा कि b भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो बी ए कॉस 0 ऐसा सिनेरियो। अब ये लूप घूमेगा तो ये तुम्हारा ओमेगा टी का एंगल बनाएगा, तो फ्लक्स एन बी कॉस, इसका मतलब है फ्लक्स टाइम के साथ वेरिएबल, कॉस का मतलब ऐसे वेरिएबल है, गड़बड़ रहा है, यहां तक कि फ्लक्स प्लस माइनस भी हो रहा है, अगर पहले जो इस समय प्लस पॉजिटिव है तो ऐसे जब हो जाएगा तो जीरो, फिर जब यू फ्लक्स नेगेटिव और फिर जब आएगा तो वो फ्लक्स बार बार अपनी वैल्यू को पॉजिटिव जीरो नेगेटिव
इनटू वो पॉजिटिव बार बार चेंज करे। अब अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस का डीफाई बाई डीटी, फैराडेज लॉ। फ्लक्स अगर बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो कितना कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब है कि इसमें कोई बैटरी नहीं है बट अपने आप एक करंट आ जाएगी, ईएमएफ आ जाएगा, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है, सर्किट यहाँ पे कुछ होगा कंप्लीट, तो ईएमएफ आ जाएगी, करंट आ जाएगा, कितना आएगा डिवाइड बाय डीटी, इसको डिफरेंशिएट कर दें, एनबीए कॉस ओमेगा डी का डिफरेंशिएशन, एनबीए कॉस ओमेगा डी का डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा डी, पहले आउटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई बाय इनर का डिफरेंशिएशन, तो माइनस हो गया प्लस, ओमेगा आ गया बाहर, के बन गया ई इक्वल टू एन बी ओमेगा साइन ओमेगा के, माइनस भी है ना, माइनस डिफाइड बाय डीटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यस सर, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन नंबर ऑफ टर्म घूमते घूमते बदलते होना चाहेंगे, 100 से चले थे 50 रह गए खाली एक चक्कर में घूमने, फिक्स है, बी फील्ड फिक्स है, ए एरिया लूप का फिक्स है, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमा है ऐसे, तो बदल क्या है, बदल टाइम रहा है, टाइम बदल रहा है ना, टाइम टाइम बदल रहा है तो ईएमएफ बदल रहा है, और इस एन बी ओमेगा को कुछ लिख दें टी नॉट, तो तुमको मालूम है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, इसलिए ये जो लिखा है एन बी ओमेगा ये ईएमएफ की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसको बोलेंगे पीक ईएमएफ, पीक वोल्टेज या एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वेरिएशन, एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज मैक्सिमम वेरिएशन फ्रॉम द मीन पोजिशन, तो ये जो एन बी ओमेगा है मीन पोजीशन, ये जो ईएमएफ आया क्या साइनसॉइडल आया है साइन थीटा, ये जो ईएमएफ है साइन थीटा है, तो क्या हम लोग वो सारी चीजें मैं आज तक तुमको बता रहा था दिनों से, गाथा गा रहा था पहले दिन से, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक फेजर होता है जिसमें ये एम्पलीट्यूड होता है, ये फेज होता है, सारी चीजें भाई लगते, इसीलिए कह रहा था कि एक दिन आएगा ऐसा मुझे पता था जिस दिन मैं ये बोल पाऊंगा कि E is equal to NBA sin omega t, यही एसी जनरेटर है, यही एसी करंट है, और इसका मतलब है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये वैल्यू होती है NBA omega, और ये sin omega t में ये बनता है टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा, और ये sin ऑफ ओमेगा फेज बनती है ये, और t is equal to 0 पे हमने पहले क्या माना था कि बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रखा है, मतलब ना नॉर्मल होता पहले से फाई बना रहा होता, तो हर समय ओमेगा टी की बजाय ओमेगा टी प्लस फाई से स्टार्ट होता है, वो जो फाई आता है वो एक्चुअली लूप की इनिशियल पोजीशन से आता है, लूप पहले से 30 डिग्री टिल्ट है, लूप पहले से 30 डिग्री टिल्ट है, बाद में 60 डिग्री और घूम गया तो 30 प्लस 60 लिखो, लूप पहले से 30 डिग्री टिल्ट है और बाद में 90 डिग्री और घूम गया तो 30 प्लस 90 लिखो, तो ओमेगा टी वो है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, इनिशियल से लूप जितना घुमा हुआ है वो फाई होता है, इसलिए जनरल इक्वेशन बनती है E is equal to, ये जो लिखा है जनरल इक्वेशन बनती है वो बनती है E is equal to E naught sin omega t plus minus, क्योंकि हो सकता है कि आगे की तरफ वो एंटी क्लॉकवाइज या हो सकता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक है तो प्लस, क्लॉक है तो माइनस, तो ये होता है हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और ऐसा अल्टरनेटिंग ईएमएफ जब किसी सर्किट में लगाते हैं तो जो करंट मिले उसे बोलते हैं एसी करंट, घरों में हमारे एनबीए तो सर ई नॉट एनबीए, एनबीए ओमेगा थोड़ी ना है, किसने कहा ईएमएफ, E naught की वैल्यू सर आपने NBA ओमेगा कैसे ली है बेटा, ये NBA ओमेगा को हमने E naught माना है तभी तो लिखा ये और sin ओमेगा t, और ये मैक्सिमम वैल्यू तो अपने आप होगी, sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, जब ये 1 होगा तभी तो E की वैल्यू E naught होगी, इस बाकी टाइम तो sin की वैल्यू 0 से 1 छोड़ के E की वैल्यू E naught से कम है,
यस बाकी टाइम तो ई नॉट से कम आएगा ना भाई साइन की साइन ओमेगा टी हाफ आया तो ई नॉट बाय 2 साइन ओमेगा टी रूट 3 बाय 2 आया तो ई इज गुड ई नॉट रूट 3 बाय 2 मैं मैक्सिमम वैल्यू है इसीलिए इस पर ओके सर ओके सर अगर पिछले दो मिनट में जो बीता है बता दीजिए मैं नेटवर्क चला गया था देखो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं सबसे पहला इसे यहां से नहीं बस खाली बता दी जो आपने E equals to E naught लिखा है वहां से बता दीजिए बाकी तो हो गया था T is equal to ये नॉट साइन एक बार शुरुआत से बता दीजिए पूरा तो बता देगा शुरुआत से बता देगा सुन लो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा कॉइल के ऊपर एंट्रेंस एक के ऊपर है कॉइल को बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है हर लूप का एरिया ए और इस टाइप के एन लूप्स और हम इनको ओमेगा रेडियन पर सेकंड से बीच से ऐसे घुमा दे रहे हैं ऐसे ऐसे घुमा दे रहे हैं बुक कॉपी में घुमाते हुए दिखाया गया तो मैंने बोला कि T is equal to 0 पे बाद में बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल आ रहा है मैंने इसको बोला था कि क्रॉस के डॉट्स में तो देखो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर 0 डिग्री पे हो तो तुमको मालूम है कि B dot A BA cos 0 cos 0 1 flux maximum B into A ये मैंने लिखा B into A अब इस टाइप का A एक टर्न है इसके ऊपर वाइंडिंग से वाइंडिंग समझते हो एक के ऊपर एक ऊपर एक तो N टर्न्स है तो NBA अब ये फ्लक्स शुरुआत में था अब मैंने बोला इसको घुमा दिया तो घुमाने से ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घुमाने से टी सेकंड में ओमेगा निकालेंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसीलिए तो कहते हैं ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी ही है बेटा ये एंगुलर वेलोसिटी है ये घुमा रहे हैं इसको एंगुलर वेलोसिटी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्योंकि बार बार घुमा रहे हैं इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं तो भाई ओमेगा रेडियन पर सेकंड एक सेकंड में ओमेगा रेडियन तो टी सेकंड में ओमेगा टी रेडियन ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो ये ओमेगा टी रेडियन का जो एंगल था थीटा ये अब इससे मैग्नेटिक फील्ड से एरिया वेक्टर के बीच में जो पहले बिल्कुल अलाइन तो बी ए था अब ये घूम गया थीटा तो बी ए कॉस थीटा बी ए कॉस ओमेगा टी एन टर्न में तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी ये लिखा एन बी कॉस ओमेगा टी बाकी डिसाइड बाय डीटी कर दिया तो एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी इसी को लिख दिया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इसी को लिख दो करंट में आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अब मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं मान लो शुरुआत से ये ना होता शुरुआत से एक एंगल बना रहा था फाई और टी टाइम में ओमेगा टी और घूम गया तो अब बताओ पूरा एंगल क्या होता ओमेगा टी होता कि ओमेगा टी प्लस फाई होता फाई प्लस ओमेगा टी इसीलिए कह रहा हूं कि तब तुम्हारा जनरल इक्वेशन ये आता टी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इसीलिए जो फाई जो शुरुआत से बना हुआ एंगल होता था कितनी बार बता चुका हूं शुरुआत से कि एंगल ही फेज होता है तो शुरुआत से जो एंगल बनना होता है उसको बोलते थे इनिशियल फेज और जो ओमेगा टी है वो जो नई फेज में जोड़ी टाइम के साथ चलती है जी तुमको बताया था कि इससे बनता है एसी करंट तो अब तक मैं क्या बताया था अब तक मैं ये बता रहा था बैकग्राउंड की बनती क्यों है चाहे ये सब कर ही क्यों रहे हैं ये सब इसलिए कर रहे हैं मगजमारी क्योंकि हमको ट्रांसफॉर्मर यूज करना है ट्रांसफॉर्मर डीसी में नहीं हो सकता ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज करना है पावर लॉस में मैच करने के लिए पावर लॉस डीसी में बहुत ज्यादा होता है इसलिए एसी बनाई गई डीसी हम हजारों सालों से जानते हैं एसी अभी बनी है सौ सौ सालों ये बात बता रहा था और ऐसे बनती है अब हमारे घरों में जो आती है एसी उसमें ये E is equal to E naught sin omega t plus phi जैसे ही मैंने बोला तुम क्या उसका एवरेज और आरएमएस पढ़ चुके हो अब मुझे बताओ उसका एवरेज कितना होगा एक सेकंड में जीरो कितना टाइम क्यों लग रहा है तुरंत बोलो एवरेज ही आधी साइकिल में एवरेज बोले तो अरे ईशान बोलो यार तुम बोलो म्यूट मत क्या लगातार बोलते रहो तुम बोलने मत दो मुझको लगातार बोलो सही कह ठीक आधी साइकिल का एवरेज बताओ ईशान व्हाई नॉट बाय हां व्हाई नॉट बाय रटा रटा बोले मुन्ना हम तो ई का पूछ रहे 2 ई नॉट बाय पाई बोलो 2 ई नॉट बाय 2 ई नॉट बाय 2 ई नॉट कर दीजिए ना ठीक चलो आरएमएस बोलो विनायक निशा ईशान सबसे अच्छा बच्चा है ईशान आई लाइक ये पसंद हो तुम विनायक तुम बताओ
अश्विन खुश हो रहा है, बोला मुझको नहीं लाइक किया, मैं टारगेट मैं सत्ता का अश्विन हाँ इन नॉट बाई रूट टू आरएमएस। अब देखो मैं तुमसे बोलूंगा वो सारी कहानी जो अब तक इतने दिनों से हम पढ़ रहे थे वो सारी एज इट इज लग जाएगी, क्योंकि ये एसी वोल्टेज है, इसका एवरेज जीरो आना है, और जब पावर की बात चलेगी तो किसी सर्किट में पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से देखा जाएगा कि कौन सी करंट इफेक्टिवली पावर, कौन सी वैल्यू इफेक्टिवली पावर देख रही है, तो हम वहां पे आरएमएस वैल्यू देखेंगे। तो इस ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू, तो इसकी आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस कितनी लिखेंगे, तो हम इसकी लिखेंगे वी आरएमएस इक्वल टू वी नॉट बाय रूट टू या ई नॉट बाय रूट टू। अब मैं तुमको बताऊं अपने घरों में जो एसी वोल्टेज आता है वो डिजाइन ही इस तरह से है कि उसकी आरएमएस वैल्यू यानी कि पावर के लिए इफेक्टिव वैल्यू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पीक नहीं बोला मैंने, मैंने बोला आरएमएस है। तो अगर ये 220 तुम आरएमएस रखोगे तो इनॉट की वैल्यू आएगी 220 रूट। घरों में जो हमारे आता है ना वो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर दिया गया 220 रूट टू, उसकी पीक वैल्यू है, आरएमएस 220 वोल्ट है। ऐसा स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करना जरूरी है क्योंकि हम लोग जो बल्ब बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, अगर हम लोग खुद अलग स्पेसिफिकेशन के बनाए और जो पावर वोल्टेज है वो अलग स्पेसिफिकेशन के, तो ऐसा भी कई बार हो सकता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो उतनी हीट जनरेट कर ले जितना शायद वो मेल्ट हो जाए, वो उतना झेल ही ना पाए, धोड़ ना कर पाए। इसलिए सारे बल्ब सारे जो इंडिया में चीजें हैं तो खरीदोगे कोई भी इलेक्ट्रिकल तो उसमें लिखा रहेगा, उसकी एक रेटिंग पावर लिखी रहेगी, ये 220 वोल्ट पे 60 वाट पावर कंज्यूम करता है, एसी पे लिखा रहेगा ये 1 किलो वाट का या 2 किलो वाट का या जो भी उसकी पावर हो, व्हाटएवर बल्ब है तो 100 वाट का है, 60 वाट है, लिखा रहेगा 220 वोल्ट 100 वाट। इसको बोलते हैं रेटिंग, रेटिंग वोल्टेज, रेटिंग पावर। तो हमारे घरों में हर चीज जब 220 वोल्ट के लिए, 220 वोल्ट क्या है भाई, हमारे घर में तो एसी आता है तो 220 से कभी ज्यादा होता है कभी कम, तो वो 220 उसकी आरएमएस वैल्यू है, वो वैल्यू तो पावर उतनी ही देगी। अगर घरों में जो एसी है वो बदल रहा है वो एक घंटे में देखा जाए, 220 का एक डीसी देखा जाए एक घंटे में उतने ही लोड पे, लोड मतलब फैन वैन सब मिला के, तो दोनों की पावर कंजम्पशन सेम होगी, इसलिए आरएमएस को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू। और 220 आरएमएस है और ये जो कॉइल घूम रही है, कॉइल घूम रही है इसकी वजह से आ रहा है। इस कॉइल को एक सेकंड में 50 बार घुमाते हैं, अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है, इंडिया में 50 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। अब 50 साइकिल पर सेकंड आओगे तो जो ओमेगा होता है ये होता है 2π into frequency, यानी कि 2π into 50 हर्ट्ज, यानी कि 100π radian per second, जिसको हम बोले थे कि फिक्स ओमेगा से घुमा है वो 100π radian per second। तो हमारे घरों में आने वाला जो वोल्टेज होता है वो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी V=220√2 sin 100π t। और अगर कुछ फेज डिफरेंस तो लिख देंगे, नहीं ये हमारे घरों का वोल्टेज, क्यों, क्योंकि हमारे घरों की आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड है घरों का, क्या हर जगह और फ्रीक्वेंसी है 50। क्यों है ये स्टैंडर्ड है, पावर हाउस डिजाइन किए गए, घर उस तरह से डिजाइन किए गए, सर्किट अलग अलग कंट्री का अलग अलग भी हो सकता है, कोई भगवान ने नहीं दिया कि 50 हर्ट्ज करना, अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, जापान का अलग सिस्टम है, इसीलिए जो भी जैसे चाइना का माल हम लोग खरीदते हैं तो चाइना वाले हमारे यहाँ पे हमारी कंट्री के हिसाब से बनाते हैं, और कहीं वो माल बेचते होंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का तो वहाँ के हिसाब से रेटिंग जो भी वोल्टेज होगा या रेटिंग फ्रिक्वेंसी होगी वहाँ बनाते हैं। बट जो भी रेटिंग वोल्टेज हो या फ्रिक्वेंसी हो सबको बतानी पड़ती है ताकि इंडस्ट्रीज उसी हिसाब से सामान बना सके, क्यों, क्योंकि तभी तो मैंने बोला था वो करंट डेंसिटी की क्वेश्चन बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ। जो भी डिवाइस हम जाके मार्केट से खरीदते हैं वो लिखा रहता है कि इस वोल्टेज पे इतना पावर दे, 220 वोल्ट के हिसाब से सब डिजाइन है, तो 220 वोल्ट यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू जो मैं इतने दिनों से बता रहा था निकलवा रहा था वो वैल्यू बोले, लिख लिया सर ने, नहीं सर लिख लिया, वी की जनरल इक्वेशन में साइन 100 पाई टी कहाँ से लाया, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट आरएमएस वैल्यू से रूट टू मल्टीप्लाई करके आ गया। अब ओमेगा क्या है, तो ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकंड,
अगर तुम बेटा 50 साइकिल घूम रहे हो एक सेकंड में और हर साइकिल 2 पाई रेडियन की होती है, ये तो बताने जो होते हैं ना, एक साइकिल 2 पाई रेडियन की होती है, हो गया हो गया हो गया, भाई 50 साइकिल में 15 into 2 pi यानी कि 100। बोलो बेटा ईशान। यस सर। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना वाला कंजप्शन कम होता है ना, फिर से बोलो क्या करो, अगर क्या कम हो गई, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो पावर का कंजप्शन उतना कम होता है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी पावर का, फ्रीक्वेंसी का पावर से क्या मतलब है, अभी अलग अलग सर्किट में फ्रीक्वेंसी घटाने बढ़ाने के अलग अलग इंपैक्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर है कि इंडक्टर है, हर जगह एक जनरल फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं। सर हाँ सर, जो वोल्टेज आता हमारे घर में वो बार बार जीरो होता रहता है तो बल्ब कंटिन्यूसली क्यों ग्लो करता है? क्योंकि बल्ब वोल्टेज से नहीं जलता, बल्ब पावर से जलता है, और पावर वो वोल्टेज एक इंस्टेंट के लिए जीरो हो रहा है और क्या हो रहा है, लगातार वोल्टेज घट रहा है बढ़ रहा है ऐसे लगातार, बट पावर वोल्टेज भले पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो, पावर कंजम्पशन लगातार हो रहा है, यही तो एसी की बात है। तो अगली चीज मैं यही करने जा रहा हूं, पावर कंजम्पशन, तुम्हारा हर क्वेश्चन जवाब मिल जाएगा, हर क्वेश्चन जवाब, अगली चीज यही करने जा रहे हैं, तो हेडिंग डालो पावर कंजम्पशन। सर ये बोर्ड का कॉपी करना है, एक मिनट। हाँ कर दो सर, टाइम हो गया, थक गए वैसे भी। क्या कह रहे हो कितना टाइम हो गया? ऐसा टाइम हो गया, देखिए किस चीज का टाइम हो गया बेटा, क्लास का टाइम हो गया, तुम्हें जाना था, तुम्हारी मीटिंग थी उनके साथ, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। Oh my God, मोदी जी डिसीजन कैसे लेंगे यार, तुमने जाना नहीं, तुम जाओगे नहीं अगर, 8 बज गए, Oh my God, 10 सेकंड ज्यादा हो, एग्जैक्ट 8:00 पे मोदी जी ने तुमको बुलाया था, उनको पॉलिसी डिसाइड करनी थी, वो ये बताओ 30 सेकंड का 10 सेकंड का मोदी जी क्या करोगे यार, वाह। पढ़ लो, तुम लोग अगर मेरे सामने होते ना, सच में तुम लोगों को मैं घूसे घूसे मार मार के ठीक कर दिया होता। सामने नहीं है इसीलिए तो बोल रहे हैं। हाँ सिवेन सही नहीं सर। हाँ हेडिंग तो हेडिंग डाल के छोड़वा दीजिए। अरे तुम तो पीछे पड़ गए, मैं नहीं छोड़ूंगा, जाओ मैं भी 15 मिनट और पढ़ाऊंगा। अरे सर ना, तुमको जाना था तो 12 बजे तक पढ़ाएंगे। कंजक्शन पावर क्या, 19 लोग बचे हैं, क्या चाहते हैं सर आपकी बचे की क्लास में? सर इसको नोट कर लिया। पहले ये बताओ, ये नोट कर लिया? यस सर। इसको करंट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? किसके टर्म में? करंट के टर्म्स में सर, ये वोल्टेज के टर्म्स में ना। करंट के टर्म्स में इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 1 है, बिल्कुल सिमिलर बनेगा। नोट कर पे आई हो जाएगा। हां इसको नोट कर लो बस। हो गया सर, हो गया हो गया। चलो फिर अब जाओ, जिनकी मीटिंग है मोदी जी के साथ निपटाओ जाके, ठीक है सर? चलो आपने खरीदा नहीं वो भी तो जा रहे हैं, ब्लूटूथ खरीदा नहीं आपने, बताओ कितना बड़ा काम कर दिया। अरे सर देखिए कितने अच्छे हैं, याद दिला रहे हैं। संडे को डाउट लेंगे ना? चलो ठीक, संडे को सर डाउट लेंगे मैग्नेटिज्म के। गुड नाइट सर। हां ठीक, मैग्नेटिज्म के डाउट लेंगे। बाय बाय सर। बाय, ओके गुड नाइट, थैंक यू। बाय 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 सर।